तो अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने जो अपनी लॉबी होती है जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ के स्टैंड की वीडियो दिखाई थी, आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी लगा आपने वो नहीं देखी तो पहले वो भी बात कर ले, बहुत यूजफुल वीडियो है स्टैंड बनाने के लिए। उसका मैंने साइज भी दिखा था, फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, तो कैसे गमले बनाने चाहिए जहाँ आप अपना वाहन खड़ा करते हो जो कम स्पेस भी ले। ऐसी ही ये मैंने दूसरे स्टैंड बनाया, यहाँ पर देखो पहले 1.5 इंच का गैप दिया, 1.5 फुट का पहले स्टेज में, दूसरे में 2 फुट से 2.25 फुट तक का मैंने गैप दिया, और तीसरा छत से अपनी बाउंड्री से 5-6 इंच नीचे रखा ताकि तूफान आए तो पौधा गिरे ना। दूसरा बैक साइड के पौधे भी थोड़े ऊंचे रह जाए, उसका कारण ये भी है। और इसका भी मैंने जैसे छत की दिखाई थी 8 इंच हाइट, ये भी 10 इंच हाइट है ताकि यहाँ आप सफाई कर ले कुछ भी नहीं। और देखो यहाँ अपना बाल्टी वगैरह भी रख सकते हो, और नीचे सबसे नीचे अगर ये बनाना है तो ये पुदीना आप देख सकते हो, धनिया कलम भी कोई लगाए वो भी आप लगा सकते हो, जो मतलब है पालक है वो भी आप यहाँ उगा सकते हो। तो इस तरह जो छोटे पौधे हैं के वो है वो आप यहाँ धनिया पालक आप यहाँ उगा सकते हो, सरसों का साग। नंबर 2, जो भी आपके मीडियम साइज के पौधे, देखो ये देखो आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ठंड में बचाना जड्डे पला, ये कलांचू, ये देसी कलांचू दोपहरी, ये स्नेक प्लांट जो छोटे हैं, ये देखो जड्डे प्लांट ब्लैक बोन आप जानते हो हरा भरा, आगे ये फ्लावर का, फिर ये कोलियस अपराजिता की बेल, इसी प्रकार से ऊपर भी देख सकते हो मैंने यानी 1 फुट जगह, आप 1 फुट जगह में इस तरह तीरी स्टैंड बनाओगे रैंक टाइप में तो आपकी जगह का मैक्सिमम यूज होगा, यानी कम जगह में आप ज़्यादा पौधे लगा सकते हो। अगर यहाँ एक ही नीचे स्टैंड बनाते तो ऊपर आपकी जगह सारी वेस्ट थी। दूसरा, पौधे को गर्मी से बचाना है तो ऐसे पौधे ऊपर रख सकते हैं जिनको गर्मी सहन करने की शक्ति ज़्यादा है। और दूसरा आप देख सकते हो पौधे ज्वाइंट हो गए हैं, पिछले बाउंड्री पर रखे पौधे और ये पौधे ज्वाइंट होने के कारण गर्मी को भी सहन कर सके। आप देख सकते हो कितना टेम्परेचर और सूर्य भगवान कितना ज़्यादा चमक रहा है, तो इस हीट वेव में भी ये पौधे को बचाते हैं। और इसके लिए तो इस स्टैंड बनाते टाइम एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, देखो एक तो साइड में ऐसे लगा दे पत्ती, ये पत्ती ये ऊपर देखो ऐसे ही नीचे भी है, ये थर्ड तीनों पत्ती बना रखी है, और ऐसे ही स्टैंड के पिछली साइड क्योंकि यहाँ छोटे पौधे रखने। और दूसरा क्या, अगर आप वेट बैलेंस भी करना, ये जो पत्ती है ये वेट बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है क्योंकि वेट आगे होगा तो ये आगे गिरने का खतरा होता है। ये देखो आप यहाँ भी है, और ये 4 इंची उठा दिया ताकि आगे नहीं लगाया, क्योंकि पौधे अगर लगाओगे फिर ऊपर से उठा के रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए आगे पत्ती मत लगाई पीछे लगाए। पिछले से तो स्टैंड का वेट पिछली साइड ज़्यादा हो गया जिससे स्टैंड गिरने में दिक्कत नहीं आती। दूसरा आप देख सकते हो रखने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आप ऐसे उठाओ, नहीं तो क्या है आपको ऊपर से ऐसे रखना, तो उसमें भी कई बार अगर थोड़ा पौधा ज़्यादा बड़ा भी है तो आप इसको थोड़ा आगे करके एडजस्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार दूसरा पत्ती देखो जैसे ये रख रहे थे तो ये गिरता था, तो इसलिए कोई टुकड़ा रख के आप ऐसे पत्थर का भी रख सकते हो। तो ये लगभग 50 किलो वेट में, अब कुछ दोस्तों ने पिछली वीडियो देख के बताया था कि आपने ये क्या रेट तैयार किए, ये रेट है 80 से 85 में मार्केट में, हर जगह थोड़ा फर्क आता रेट, लेकिन मैंने जो ये बनाए हैं 81 में केजी के हिसाब से लिया है, तो ये मेरा लगभग 50 केजी का एक स्टैंड पड़ा, कोई 40 का है, कोई 38 का, कोई मतलब 38 किलो से लेकर 50 किलो तक, तो ये लगभग 6 स्टैंड मेरे लगभग 21,000 रुपये में पड़े हैं, 1-2,000 रुपये पेंट का है। पेंट का कलर मैंने ब्लैक नहीं कराया क्योंकि ब्लैक में कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा आती है, धूप में कामयाब तो है लेकिन मैंने नया कलर यूज किया। तो ये स्टैंड का कलर भी आप बताना कैसा आपको लगा।
तो और ये स्टंट का आइडिया कैसा लगा वो भी आप टिप्पणी जरूर दें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट, एक और स्टंट दिखाऊंगा आपको, वो यूजफुल लगेगा, तो आप उसको भी देखना मत भूले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़।